रुक करते हैं बिलासपुर को, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाइवा के चपेट में आने से 16 मवेशियों की मौत हो गई है। बिलासपुर में 16 मवेशियों की मौत हाइवा के चपेट में आने से हो गई। इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात यह हादसा होना बताया जा रहा है, जहां पर 16 मवेशियों की मौत हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया में ये देर रात ये हादसा हुआ है। 16 मवेशियों की हाइवा के चपेट में आने से मौत हुई है और हाइवा चालक गाड़ी को छोड़कर फरार बताया जा रहा है। देर रात का ये हादसा है, जहां पर 16 मवेशियों की मौत हुई है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर हाइवा के चपेट में आने से 16 मवेशियों की मौत हो गई है। वहीं चालक हाइवा को छोड़कर फरार बताया जा रहा है। देर रात ये हादसा होना बताया जा रहा है, जहां पर 16 मवेशियों की मौत हो गई है और हाइवा चालक फरार हो गया है। देर रात यह हादसा हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया में ये हादसा देर रात हुआ है, जहां पर 16 मवेशियों की हाइवा की चपेट में आने से मौत हो गई है। वहीं हाइवा चालक फरार बताया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर हाइवा की चपेट में आने से 16 मवेशियों की मौत हो गई है। किस प्रकार का ये रहा है और आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी, क्योंकि 16 मवेशियों की मौत हुई है, वहीं हाइवा को छोड़कर चालक फरार भी बताया जा रहा है। बिल्कुल सारिका, देखिए देर रात का ये घटना है और तेज रफ्तार हाइवा ने अपनी चपेट में लेकर 16 मवेशियों को रौंद दिया है, जिसमें है बिल्कुल सारिका, देखिए देर रात घटना है और जिस तरह से मवेशियों की अगर मैं बात करूं तो 16 मृत बताए जा रहे हैं। वही और भी कई ऐसे जो मवेशी है अभी जिनकी गिनती नहीं हो सकी है, उनका इलाज जारी है। जैसे ही घटना के बारे में जो गौ रक्षक जो टीम है बिलासपुर की, उन्हें सूचना मिली तो मौके पे उनके द्वारा पहुंचा गया और जो बचे हुए जो घायल गाय है, जो मवेशी है, उनकी इलाज उनके द्वारा किया जा रहा है, उपचार उनके द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल देखिए मामले को लेकर के जो सिरगिट्टी थाना प्रभारी है, उन्होंने संज्ञान में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। वही एक बड़ी बात है कि इस तरह की लापरवाही लगातार देखने को मिलती है, क्योंकि इलाका है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है, तो एक बड़ा हादसा हो गया। पुलिस भी जांच में जुट चुकी है। जी सारी जी बिल्कुल सुधीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए सुधीर हमारे साथ। आपको बता दें कि चालक हाइवा छोड़कर फरार है, 16 मवेशियों की मौत हो चुकी है, अन्य मवेशियों का इलाज अभी जारी है।